तो जी साफ सफाई का काम पूरा ख़त्म। यहाँ पे बस ये शर्ट निकाल के डाल रखी है इन्होंने, धोने की है, लेके जाऊँगी। और एकदम क्लीन हो चुका है घर। आज बेडशीट वगैरह निकाल दी मैंने, धोनी है, पिलो कवर निकाल दिए, कूलर सेट हो चुका है। यहाँ पे आटा लग गया और चने बॉईल कर दिए, और इसमें मैंने प्याज टमाटर पीस के रखे हैं, क्योंकि नहाने के बाद में प्याज में हाथ देने का मन नहीं करता। सारी तैयारी करके छोड़ रखी है, मतलब यहाँ पे कढ़ाई रख दी, क्या आते मैं सब्जी में तड़का लगा दूँ। अब पहले नहा के आना है। और पता है ये जो छोटे छोटे दाग है ना, एक दो, ये पेंट गिरा हुआ है, मैं इनको हमेशा उतारने के लिए थिनर का इस्तेमाल करना चाहती थी कि थिनर लेके आऊँगी फिर उतारूँगी, क्योंकि ना उससे स्क्रैच हो जाएंगे। मैंने इस घर को ना बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ है, हर चीज़ को पोछा लगा के एकदम साफ साफ। पर अब लगाती हूँ ना जब मन दुखी होता है, ये होता है कि ये बस इतने ही दिन का साथी था। जो भी है, मैंने बोला था इनको पेंट की डिब्बी लेके आना, मैं पेंट करूँगी इनके खिड़की हो गए, मैं मेरे हाथ से पेंट कर दूँगी, किसी के पेंटर वगैरह से करवाने की ज़रूरत नहीं है। गेट पर भी मैंने खुद ने किया था, आपने यार देखा हो तो, जब हम लोग आए थे ना जो गेट पर पेंट मैंने किया था, ये पेंट कड़ी वगैरह भी बाद में करवाई थी हमने, गेट पे पेंट मैंने किया था। शुरुआत शर्माजी ने की थी, लेकिन बाद में मैंने कंप्लीट मैंने किया था, थोड़ा सा किया था इन्होंने। और अब था कि ये कॉफ़ी कलर है ना, इस गेट का भी कॉफ़ी है, उसका भी कॉफ़ी है, तो इस पे गेट पे कॉफ़ी और खिड़कियों पे कॉफ़ी कलर करके ना मेन गेट से मैचिंग हो जाएगा सारा, अच्छा लगेगा। पर क्या कर सकते हैं, ये देखो ये टीन शेड वगैरह लगाई। मैं इनसे कह रही थी 2-4 महीने में ना पैसे थोड़े से सेव हो जाएंगे, फिर पूरा कवर करवा देंगे इधर का एरिया, क्योंकि इधर के एरिया में बाइक खड़ी होती है ना धूप लगती है। पूरा घर ही पेटेंट होने वाला था, मतलब कंप्लीट होने वाला था। अब जाके बीच में जा कहाँ पंगा आया है। तो जी ये जो क्लिप्स अभी प्ले हो रही है ना, ये हैं 2-3 दिन पहले की, जब मेरे व्लॉग रेगुलर आ रहे थे। उसके बाद में मैंने व्लॉग से जो डाले थे ना, वो मैंने पुराने टाइम के जो 4 साल पहले के व्लॉग थे ना, 2020 के, वो वाले व्लॉग डाले थे 2 दिन, क्योंकि बीच में मेरा व्लॉग बन ही नहीं पाए बस कुछ कारणों से। तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी पराठे वगैरह, पराठे बना रही हूँ शायद कि रोटी बना रही हूँ, पता नहीं, पराठे ही बन रहे थे ज़्यादातर। ना ना आज तो काले चने की सब्ज़ी बनी थी, यहाँ चने भिगो दिए थे मैंने रात को, तो यहाँ पर मैं चने की सब्ज़ी बना रही थी। और मेरी कोशिश रहती है कि, पता है आप लोगों में से बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि दीदी आप साड़ी पहना करो, तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी और अच्छे तरीके से वीडियो शूट करूंगी, मतलब जैसे ये वीडियो शूट हो रहा है ना इस तरीके से नहीं बस। लेकिन बस मूड थोड़ा सा ऐसे हो गया, उसके बाद में वही है, फिर 2 दिन तक ऐसे ही रहा। जब डिप्रेशन में आदमी जाता है ना तो इस तरीके से घुस जाता है कि बस अब वो निकल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर सब्ज़ी की दशा और रोटी की शक्ल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कुछ मेरा मन था उस दिन बनाने का। हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, इंसान को ना उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए, उम्मीद जो होती है ना वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। मैं जितना मैंने अपने आप को महसूस किया ना उस हिसाब से बता रही हूँ कि उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो यहाँ पर मुझे लगा पता नहीं कोई बाल तो नहीं है, लेकिन देखा तो कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह रही थी कि उम्मीद जब हम रखते हैं ना किसी से, तो क्या होता है कि हम जितना हम करना चाहिए ना खुद के लिए उतना कर नहीं पाते, और जितना हम खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं ना उतना मजबूत नहीं बन पाते। तो सबसे पहले तो उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, अपने आप से उम्मीद रखें, किसी से भी उम्मीद ना रखें। अपने आप से उम्मीद रखता है ना वो इंसान कभी भी हारता नहीं है, वो मजबूत और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। और एक चीज़ और बताऊँगी कि जब इंसान का जब दौर जो होता है ना वो ख़राब जो दौर चल रहा होता है, उस समय में उसे बाहर वालों से नहीं, अपने वालों, अपने जो होते हैं ना अपनों से जो उसको तकलीफ़ होती ना वो उसका कोई मतलब इलाज ही नहीं है। तो फर्स्ट जो चीज़ बताई थी उम्मीद, और दूसरी ये कि अपनों से तकलीफ़, जब हम उम्मीद नहीं रखते ना तो वो अपनों से तकलीफ़ होनी बंद हो जाती है। एक समय के साथ में ना हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं, और ऐसे लगता है कि नहीं अब एक बार दोबारा से वो फेज़ ज़िंदगी का चल रहा है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करना है और खुद को करना है, और वो खुद के लिए कर भी सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे का कारण बताऊं आपको, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है ना, लेडीजों की मेन प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादातर अपना सब कुछ जो है ना
वो परिवार पर लुटाती रहती हैं, अपने परिवार पर, अपनी अपनी हर एक, वो होता है ना, शारीरिक तौर से भी समझ सकते हैं आप, मेंटली तौर से भी समझ सकते हैं। वो सोचती हैं तो परिवार के बारे में सोचती हैं, मेहनत करती हैं तो परिवार के लिए करती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो जब वो करती रहती ना, तो वो खुद को इतना मजबूत नहीं बनाती, वो कमज़ोर बनाती जाती है, वो परिवार उसकी एक कमज़ोरी बन जाता है, और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा बाद में वो परिवार ही उठाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सच है, ये एक बहुत बड़ा सच है, इसको चाहे कोई माने ना माने, लेकिन ये जब आप किसी बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं ना, जब आपको समझ में आता है, और कहने को देखते हैं कि देखो पैसा जो होता है ना, पैसा हमारे हरियाणवी में एक बात बोलते हैं कि बड़ी कुत्ती चीज़ है, तो पैसा जो है ना वो बड़ी घटिया चीज़ है, ये घटिया भी है और देखा जाए तो वो वाली चीज़ भी है कि ये हमें वो चीज़ें दिखा देता है कि जो कोई नहीं दिखा सकता, जिसके लिए हम कभी भी नहीं देख सकते, वो चीज़ें हमें पैसा दिखा देता है। पैसे के कारण अच्छे अच्छे जो अपने आप में धुरंधर होते हैं ना, उनके चेहरे भी सामने आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें, ये मेरा आज का ज्ञान आप लोगों को शायद तक परेशान भी करेगा, ये कुछ लोगों को कर सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि इस तरीके की बातें सही नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि रात को खाना मैंने, शिवांश ने, नैनी ने खाया था, पहले शुरू में बच्चों ने ही खाया था, उसके बाद में फिर मैं सो गई थी, मैंने पूछा खाना डाल लूँ, तो खाना खाना ही नहीं पूछा मैंने, मैंने कहा खाना खा लेते हैं, लेटे हुए थे, बोले कि नहीं मैं नहीं खा रहा, मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक बार जाके लेट गई, फिर उसके बाद में फिर मैं उठी, मैंने उठ के और 11:30-12 के समथिंग हो रहा था, ये लास्ट नाइट की क्लिप है, फिर मैंने अपना खाना डाला, मैंने खाया, और उसके बाद में फिर बर्तन साफ़ करने की हिम्मत नहीं थी इतनी, फिर मैंने सोचा चलो देखेंगे सुबह, तो इसलिए ये इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, कुछ तो हैं रात के और कुछ है मॉर्निंग में, जैसे मैं वो सौंफ का पानी बनाती हूँ ना सबके लिए, उसके और कुछ दूध वगैरह गर्म करना था उन सब के, तो वो सारे बर्तन इतने सारे हो गए। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर अभी अभी मैंने जिक्र किया कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कैसी भी हालात हो जाए, खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए भाई, मेरी तो ये, मैं हमेशा इस चीज़ पर फोकस करती हूँ कि खाना खाना जो है ना, वो आपको, अगर आप खाना नहीं खाते ना किसी कारणवश, फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही है, खाना नहीं खाते ना तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। और मेन बात पता है यहाँ पे क्या होती है, मेन बात ये होती है कि आदमी का क्या है, वो सुबह उठेगा और या बाहर जाता है किसी काम से तो बाहर चला जाएगा, वहाँ पे कुछ खा लेगा, नहीं खाएगा तो भी उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती जितनी उस लेडीज़ की होती है, जो पूरे दिन पागलों के जैसे लगी रहती है, उसकी एनर्जी ख़त्म होती रहती है, वो चार दीवारी में बैठी रहती है, उसको न किसी के साथ वो शेयर कर पाती है, वो अपनी बातें अपने तक रखती रहती है। और ये हम यूट्यूबर्स की कहानी नहीं बता रही, यूट्यूबर्स तो फिर भी यूट्यूब पर ले आते हैं, लेकिन जो लेडीज़ घर में रहती हैं, ज़्यादातर अपने घर में छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं फिर बड़ी होती हैं, उनकी कहानी बता रही हूँ कि वो पूरे दिन घुटती रहती हैं, खाना नहीं खाती, मेंटली स्ट्रेस आता है। तो यहाँ पे मैंने ट्राईपोड नहीं था, तो मैंने ट्राईपोड लगाने के लिए मैंने कहा चलो ट्राईपोड में लगाते हैं कैमरा, आगे व्लॉग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि वो लड़कियाँ, वो औरतें, वो घर में घुटते घुटते खाना भी नहीं खाती और ज़्यादा स्ट्रेस में आती हैं, फिर उनको जो होता है ना कि वीकनेस महसूस होती है। तो मैंने खाना खाया, खाना खा के अपने बर्तन साफ़ किए सुबह, और रात को नहीं किए, रात को मैं सो गई थी। और उस इतने सालों में मेरी क्या आदत है, मैं हमेशा किचन क्लीन करके सोती हूँ, गंदा नहीं छोड़ती हूँ, तो इतने सालों में इस तरीके की बातें कभी कभार अगर होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में होती है, नहीं तो नहीं होती भाई अपने तो बस ठीक है, अपना जैसा भी था वो समेट समेट के और पोछा वगैरह लगा करके अब मैं आप लोगों से फेस कैमरे में बात करती हूँ। चलो तो जी, काम धाम सारा हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया। तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, जब स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है ना, उस टाइम पे खाना खाना छोड़ देना, टाइम पर रूटीन में ना चलना, ये चीज़ें ना और ज़्यादा स्ट्रेस दे देती हैं। तो इससे अच्छा है अपना रूटीन में आना, मेन फोकस है सबसे पहले अपनी रूटीन में आए, उसके बाद काम पे फोकस करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ तो घर सारा क्लीन है, बस ये कपड़े फोल्ड नहीं हुए हैं, ये कपड़े मैं फोल्ड करूँगी अभी। लड्डू हमारे यहाँ बैठे हैं, सारा काम किचन का पूरा फिनिश है, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया, ये देखो प्लेट यहीं रख के चले गए, बच्चों ने खा लिया था, अब मैं खाऊंगी। और ये पानी का गिलास ऐसे रखा है, नैनी रख के लगता है, दूध गर्म हो चुका है, दूध को फ्रिज में रखना है, उससे पहले इसकी जाली ढक देती हूँ, शिवांश को दवाई देनी है,
बिंदी भी नहीं लगाई आज, भूल गई, मैंने कैमरे में देखा ही नहीं, अब देखा है, उस टाइम भी बैक कैमरा चल रहा था। तो मैं क्या कह रही थी कि बस यही है कि खुद से उम्मीद रखें, खुद अपना ध्यान रखें, कोई ध्यान रखने नहीं आएगा, कोई नहीं पूछने वाला कि खाना खाया कि नहीं खाया, कैसी हालात है, ठीक है कि नहीं है। अब तो फिर भी ये सोच के पूछ लोगे किसी से कि बस, वो होता है ना कि खुद को ऐसे महसूस होने लग जाता है यार छोड़ना, खुद पे ऐसे होता है कि नहीं यार छोड़ना, अब बहुत हुआ। तो अपना ध्यान खुद रखें, कोई रखने नहीं आएगा भाई, है ना। तो ठीक है, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आज मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, मैंने सोचा चलो क्यों अपने आप को तकलीफ दें, थोड़ी देर के लिए सुकून से रहते हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना। बाय।